तो फाइनली घर का काम तो पूरा हो गया है दोस्तों। तो अब बनाने वाले हैं हम रेसिपी, तो इसको यहाँ पर लगा देंगे। बारिश हो रही है दोस्तों बाहर से बहुत ज़्यादा, तो बच्चे कह रहे हैं मम्मी सिमई बना दो, कुछ ऐसी बनाओ कि हमें सूप खाने को भी मिले और सिमई भी। तो बना रहे हैं हम सिमई का सूप, वो भी वेजिटेबल, तो दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैंने एक छोटा कटोरे से सिमई ले रखी है और सब्जियाँ काट रखी हैं, पत्ता गोभी, शिमला, टमाटर, गाजर, प्याज, अदरक, लहसुन। तो बच्चों के लिए बनाते हैं वेजिटेबल सिमई सूप। तो बनाते हैं सिमई का सूप, तो चूल्हा स्टार्ट कर देंगे। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे हम ऑयल, वो भी 2 चम्मच छोटे चम्मच से। तो देखिए हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम इसमें, कटा हुआ छोटा बारीक करके काटा है, तो इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। तो लहसुन अदरक की खुशबू आ चुकी है, हमने इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। अब डाल देंगे इसमें प्याज बारीक कटा हुआ, इसको भी फ्राई करेंगे। तो बरसात में बच्चों को ऐसी चीज़ खाने का मन करता है दोस्तों, कहते हैं बनाओ बनाओ। आज बड़ा बीच वाला भी लड़का मेरा घर ही है, तो खाना तो नाश्ता हो गया है, बच्चे कह रहे हैं बनाओ। तो एक काट रखी है पत्ता गोभी बारीक और मिर्ची, इसको भी डाल देंगे इसमें। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, गाजर भी, शिमला, सारी सब्जियों को हम आराम से पका लेते हैं। जो इनका कच्चापन है वो हम दूर करेंगे। तो इनको पकाते हैं 1 मिनट के लिए, फिर दिखाती हूँ दोस्तों आपको। तो देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट बनानी है हमने। तो इसमें हम डाल देंगे नमक, तो स्वाद अनुसार नमक। तो जितनी बढ़िया सॉफ्ट हो उतना बढ़िया सूप बनता है हमारा। तो देखिए हमने नमक डाल दिया है, नमक से और सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट ही बनाना है। तो डालेंगे हम काली मिर्च, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। तो इसमें डालेंगे सोया सॉस, तो देखिए आधा ढक्कन है, यह है विनेगर, एक ढक्कन छोटे ढक्कन से है, तो इसको भी पकाएंगे अच्छे से। तो टमाटर सॉस ले रखिए 1 चम्मच, इसको डाल देंगे। तो सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब डाल देंगे हम इसमें पानी। तो पानी डाल देते हैं हम इसमें, एक लीटर पानी। तो देखिए हमने डाल दिया इसमें पानी 1 लीटर, अब इसको पकने देते हैं, करते हैं इंतज़ार। तो देखिए हमारा सूप तो तैयार है बनके, पर दोस्तों एक बात कहनी थी आपसे, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, यूट्यूब में है मेरा किचन शो। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा इसको ढक देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो आधा चम्मच हमने ले रखा है कॉर्नफ्लोर, इसका घोल बना दिया है, इसको डाल देंगे इसमें, इससे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको पकने देते हैं दोस्तों, मैंने तवे में इसको भून लिया था हल्का हल्का करके, इसको भी डाल देंगे इसमें। और सूप में ज़्यादा सिमई नहीं चाहिए होती है, छोटे कटोरे से 1 कटोरा। तो इसको साथ साथ पकाते हैं और डाल देंगे इसके ऊपर से मैगी मसाला। तब इसको पकाते हैं, फिर मिलते हैं, इसको पकाने के बाद मिलते हैं दोस्तों। तो दिखाते हैं आपको सूप कितना बढ़िया बन रहा है। तो देखिए हमारी सिमई भी कितनी बढ़िया पक गई है, ये देखिए वाव, तो क्या गजब की खुशबू आ रही है, बच्चे तो बहुत खुश हो गए हैं। तो हम कर देते हैं गैस बंद, तो दिखाते हैं आपको सर्व करके। तो ऐसी आप भी ज़रूर घर पर बनाना अपने बच्चों के लिए दोस्तों। तो कभी खाना बनाने का मन नहीं होता है तो वेजिटेबल सिमई का सूप ऐसी बनाना। तो देखिए कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो दोस्तों मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो रहे, कैमरा मैन तो सामने कह रहा कटोरा मुझे ही दे दे। तो लीजिए दोस्तों ये आपके बच्चों के लिए। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करना और फॉलो ज़रूर करना, यूट्यूब में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।
तो ऐसी ही आप भी ज़रूर बनाना बारिश के मौसम में, आजकल खूब बारिश हो रही है दोस्तों, तो बनाना आप भी। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।